एक्सपोज। आंसर तुम बताओ ईदी मिली। अल्लाह कितना झूठी है ये, सच्ची बताओ। मनुष्य है ना ये, अजीब जानवर है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और व्लॉग के अंदर। ये फोन आ रहा है बट मैं पिक कर रहा, मुझे पता है मुबशर का या एमजी का हुई होगा। तो वेलकम हो गया तुम सबका एक और व्लॉग में। यूनिवर्सिटी पहुंचा हूं, व्लॉग बनाते हैं, फिर अभी चल के मिलता हूं आपको मुबशर या एमजी के साथ। तब तक के लिए बाय। 2000 years later. सबको मुबशर कितनी ईदी दी है? 5,000 सबको अकाउंट में। वाह, किस किस को दिया है? वाह, किस किस को दिया है? ईदी थंबनेल बन गई है। क्या तुम्हें लगता है पैसा ही पैसा। अच्छा जी यहाँ बैठे हैं, रिदा कैसी हो? ईदी रसीब हो गई? कितनी मिली सच्ची बताना, मुबशर की तरफ 5,000 ना बोलना। उसके उसके एक्सप्रेशन देखे हैं। हाँ जितनी भी हो 50 रुपए। और मुझसे कितनी मिली है? शर्म करो, सोच दी थी मैंने। एक्सपोज। आंसर तुम बताओ ईदी मिली। अल्लाह कितना झूठी है ये, सच्ची बताओ। उसे जिसने देनी थी उसने भी जब नहीं दी। किसने देनी थी आंसर? पापा ने। कुछ बोल भी लो। अच्छा ये दी किसने दी है? मुबशर ने दी है। वही खराब आ रही है वीडियो उसकी। अच्छा एक मिनट यहाँ से देखो, इनकी खराब आ रही है, करीब से ही है। मैं तो हूँ ही प्यारा ना। His mean to say कि तुम प्यारी नहीं हो। नहीं तूने कहा गाली नहीं देनी, मैं प्यारा बोल रहा हूँ उसकी जगह पे। क्या करूँ यार ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं यार आंसर आंसर। अच्छा आज आज मैं क्या बात सुनो, मैं आज थंबनेल लगाऊंगा तुम्हारी ऐसे लेके ना, तो चार्मिंग गर्ल पार्ट 2 फिर से व्यूज आएंगे। हाँ नहीं उधर से ले लूंगा तुम्हारी थंबनेल। ऐसे कर लो, ऐसे आंसर ऐसे कर लो। क्या मैं क्या इससे ज्यादा तो मैं अपना सबका उतार दे जितनी तुमने मुझे। बस ये भी सदका ही उतार दो। हमने कल चीटरों से 10-10, 20 दी है। ये 50 51 रुपीज ले लिए, 5-5 को लिए बातें। 51 रुपीज तुम्हें मतलब कम लगते हैं। अच्छा तुमने अपने आप खुद से छोटे बच्चों कितने दिए बताओ? जी ये लो कसम से ये छोटा है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें फसी ने कितनी दी थी? 5,000। अल्लाह माफी किसने दी थी तुम्हें? ऐसे हाथ कैसे किए थे उसने आगे 5,000 दिए। और साथ ने कितने दिए? एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, इसके इसने मेरे 50 रुपीज का बोल दिया। आंसर बताओ साथ ने कितने दिए? 5,000 दिए। हाँ 51 रुपीज दिए मैंने तो बोल भी लिया, तुम बताओ साथ ने कितने दिए? यार ये झूठ कितना बोलती है, उसने 5,000, एक ने 500, हमने ही मतलब कम दिया। मैंने दिया ना, तुमने 50 रुपये। ये ब्लॉगर जो है पैसे कमा के पैसे लगाता भी नहीं, गरीब बंदा ये 50 रुपये दे रहे थे प्यारे प्यारे, लाखों लाखों व्यूज लेते हैं पैसे कमाते हैं और 50 रुपये दे रहे हैं, इनका नाम पे व्यूज लेते हैं हर ब्लॉग में, स्कैम होते हैं ये। 2 नंबर बंदा, 2% के बंदे के लिए व्लॉग। यार नहीं यार मैंने आंसर को 5,100 दिया, 5,100 दिया था और वो मान नहीं रही। मैं नहीं आपको आपको देखा है, आपको देखा है, आप लाखों के बंदे। वो छुट्टों की बात कर रहा है, छुट्टों की छोड़ो यार। अच्छा जी आज का तुम भी मिल गया। हाँ जिंदगी बड़ी मजे की स्टोरी है, साथ दिया साथ का, फिर हुआ 5,000 रुपये ले सिक्के, उसने पैसे भी करके सिक्के साथ सिक्के चुनते रहे।
वो कह रहा है मैंने ही तो वो सिक्के फेंके थे जो तू चुन रहा था। काउंट पता नहीं कितने जाके बने होंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत है। फेंकते हुए मुबशिर साहब अफसोस करते हुए। यार एक मिनट, ये बंदा ईदी मांग रहा है, वो भी मुबशिर से। इसे देखो और इसे देखो। सबसे बड़ी मेरी जिंदगी में इस बंदे की प्यारी ईदी भेजी पिछली बार, और मुझे आज तक कोई भी मिली नहीं। इतना बड़ा एक कमजोर यार। पिछली बार मैं फिर क्लियर भी करता हूँ इसको। मामा ने मुझे दिया था 1000 रुपए के मुबशिर को दे देना। मैंने इससे कहा भाई 500 मैंने कहा 500 तुझे कुछ दिनों तक देता हूँ, मेरे पास उस दिन पैसे नहीं थे। कल दे, पता है क्या इसने कहा मुझे नहीं किया। फिर उस दिन हमने कबाब खा लिए और आज फ्रॉड है। फ्रॉड है, चलो यार मैं फ्रॉड। चलो आप A few inches later. जी अभी हम किधर जा रहे हैं एमजे साहब? ये इतना बड़ा डैश है, इसको मैंने सारा बताया कि ये लाइन बोलनी है। ये फिर अभी कैमरा खोल के मुझसे सुनना चाहता है। देखो मैं एडमिट करता हूँ, एक बार मैं चुप पहले मैं एडमिट करता हूँ, चुप कर, मैं एडमिट करता हूँ मेरा ये। अच्छा एमजे एमजे ये ले, चैनल ही तेरा है, ये चैनल ही तेरा। तो सीन इस तरह का हुआ जी, आज बता रहे जी 3 स्लॉट्स की हमारी। हाँ पहली हुई हमारी स्टैट्स क्लास। स्टैट्स की मैम ने कहा मैं पेपर शोइंग कर रही हूँ तो मैं जाती हूँ दूसरी क्लास में, मैं आती हूँ। उन्होंने जी प्लॉट कर दी डिसमिस, 2 फ्री। ये क्या हो रहा है? फिर हमने एक फ्री की, ओ वाह। उसके बाद जी हमारी एक फ्री हुई, वो वैसे ही फ्री थी। अब जी आखिरी स्लॉट में मैम ने कहा जी नहीं आ रही, तो हम यूनिवर्सिटी किसके आए हैं? तो मैम आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये जी हमारा ब्यूटी बोन, बहुत शाइन मारे जी, शाइनिंग इन द सपोर्टिंग कमिंग ही। ओके हम जा रहे हैं जी, जो कल हमने ईदी जमा की है वो उड़ाने, क्योंकि पैसा दसन। तो अभी फिर हम आपको जाके देखते हैं कहाँ जाना है, आज जाना है। अच्छा एक मिनट, आज कमेंट में पूछो एमजे का चैनल कब आएगा। अगर कमेंट में ये पूछो, अगर वकारा जी आपके जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर होंगे उस दिन मैं अपना चैनल लगा दूंगा। डन हो गया। ऑडियंस क्या कहती है वो फिर अब उनके कमेंट करो। 1000 चैनल पे होना चाहिए या 500 सब्सक्राइबर पे, कितने सब्सक्राइबर पे इसको अपना चैनल लॉन्च करना चाहिए? बाकी हमें कंटेंट लाजमी रिकमेंड करें। ये ये है जो मनुष्य है ना, ये अजीब जानवर है, जितना भी खाए खाती जाती है। तो जी ये इस वक्त मौसम चल रहा है, बाकी हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये काम आपने करना है, मतलब 500 पे ये अपना चैनल लॉन्च करे, 1000 पे आपने बताना है। लाजमी बताना है। ओके A few moments later. मिले हमें बड़े प्यारे प्यारे दो जूनियर एमजे, उनको गाइड कर रहा है, अपना बता रहा है। एमजे उनको बता रहा है, अपना गाइड कर रहा है कि कैसे कैसे करना है। हम पूछ रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। तो मैं मिलवाता हूँ आपको सबसे पहले मौजम से। मौजम कैसे हो? यार बिग फैन ब्रो, आपके चैनल का नाम क्या है? बिग फैन, आपके चैनल का नाम क्या है? डिंगा हो रहा है। कहा भाई कैसे हैं? खैरियत है? यार तो ये बंदा मुझे कह रहा था मैंने फिल्म मेकिंग में जाना है और ये कैमरा ऑकवर्ड ऐसे थोड़ी चलेगा। यार हम कैमरा के पीछे वाले बंदे हैं ना, कैमरा के आगे वाले बंदे। आगे भी आओ, आगे भी आओ। देखो अब ये बंदा ये कहता है मैंने डायरेक्शन करनी है, मतलब फिल्म मेकिंग में है। और इसका नाम डिपार्टमेंट में मेजोरिटी पीपल जानते हैं। ये तो जूनियर है ना, मैं सीनियर की बात करूँ। A few moments later. एम जे साहब क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, जुबारिया से नाराज हूँ। नाराज है? अभी कुछ देर पहले क्या हुआ है? अच्छा जुबारिया तुम बताओ क्या किया इसने?
कुछ भी नहीं किया, उठक बैठक किया है, कान पकड़े हैं, कान भी पकड़े हैं, उठक बैठक। इसकी तरफ कैमरा करो, नहीं वो कैमरा भी सामने नहीं आती, ये बेहोश हो गई थी। और अच्छा सॉरी सॉरी चल रही है उसकी पीछे वाली सारी स्टोरी आपको एमजे बताएगा कि क्यों सॉरी बोल रहे हैं सारे। एमजे बता, इसने हमें कहा कि कहाँ आओ कुछ खाते पीते, हम गए जिसके पास पैसे कम रहे, इसने एक्टिंग शुरू कर दी, मैं बेहोश हूँ पड़ी है। मैंने क्लिप बना दिया, 20 मिनट पानी डाला है, इतनी खालिस एक्टिंग की है इसने। हाँ मैंने वो क्लिप बनाया, उसमें खफा हो गई, जिंदा खड़ा, मेरा गुस्सा मेरे काबू में है, तो फिर नाराज हो गई ये मेरे से, कहती है तूने क्लिप बनाया तो अभी मनाने आए, मनाने ईद के बाद रमजान में तौबा शबा कर ली थी, अब मना रहा है, अब वो कह रही है उठक बैठक की करो, वो तो मेरा क्यों भी नहीं करता, ऐसी बात है कि एफ जी भर बात है, मैं कैमरे में नहीं करता उठक बैठा, रेड स्कर्ट में प्यारी भड़ोली रहती थी। अबे साले, A few inches later, बस निकल रहे हैं, फ्रेंड उधर ही ठहरे हुए, बस निकल रहे हैं, मेरे दोस्त ये जा रहे हैं, अब इनकी है एनडीसी की परफॉर्मेंस नहीं है, रिहर्सल है, ये दोनों एक्टर है ना, तो ये अपनी कोई था इनका प्ले है, उस प्ले की रिहर्सल के लिए जा रहे हैं, तो मैं ऐसे ही क्या करता हूँ, तो मैं निकलता हूँ थोड़ी देर में घर, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, एमजे की तरफ से भी, और ये बात